नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 में चेतेश्वर पुजारा चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते नजर आएंगे। आईपीएल में 7 साल बाद पुजारा की वापसी हुई है। इससे पहले पुजारा ने आईपीएल में अपना आखिरी मैच 2014 में खेला था। आईपीएल ऑक्शन में पुजारा को सीएसके ने बेस प्राइस 50 लाख रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है। यूं तो पुजारा टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की नई दीवार है, लेकिन उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका लगातार नहीं मिला। लेकिन इस बार सीएसके फ्रेंचाइजी ने उन्हें खरीद कर उन्हें आईपीएल में अच्छा करने का मौका दिया है। बता दें, पुजारा ने आईपीएल की तैयारी शुरू कर दी है। सीएसके कैंप में अभ्यास सत्र के दौरान पुजारा बड़े बड़े शॉट्स मारते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुजारा छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो को देखकर फैंस काफी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस सीजन में पुजारा अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचाएंगे। चेतेश्वर पुजारा ने एक इंटरव्यू में कहा कि T20 में सिक्स मारना अहम होता है और मैं उस पर काम कर रहा हूं। ऐसे में पुजारा ने अभ्यास सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा सिक्सर मारने की प्रैक्टिस की है। साल 2014 में आईपीएल में पुजारा ने अपने आखिरी मैच किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की ओर से खेला था। आईपीएल में पुजारा ने 30 मैच खेले हैं और इस दौरान 390 रन बनाए हैं। काफी कम लोगों को पता है कि पुजारा T20 क्रिकेट में एक शतक भी जमा चुके हैं। साल 2019 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पुजारा ने सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए रेलवे के खिलाफ 61 गेंदों पर शतक ठोका था। पुजारा सौराष्ट्र की ओर से T20 में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने थे। अपने करियर में पुजारा ने T20 के 64 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1356 रन बनाए हैं। इसमें उन्होंने 109 की स्ट्राइक रेट से ये तमाम रन बनाए हैं। T20 में पुजारा का नाम 7 अर्धशतक दर्ज है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।